वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा धरती पर, ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपके इरादों में जीत की गूंज है तो जैसे विगत 2 वर्षों में आपने हाई स्कूल की परीक्षाओं में अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं, वैसे पीवीआर स्टडी के साथ आपकी आगामी परीक्षा में भी आप लोग कक्षा 10 की परीक्षा में अच्छे अंक दिखाएंगे और यूपी पुलिस एसएससी और आरआरबी की परीक्षाओं में जैसे आपके सिलेक्शन हुए हैं उसी तरह से होते रहेंगे। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित गणित और बच चुके हैं सुबह के 8। याद रखिए, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित चल रही है, जो कि मार्च 2019 का अपडेट है। अगर टाइम शेड्यूल अपडेट होता है तो आप बने रहे हमारे साथ, आपको बताया जाएगा। आज हम लोग जो देखेंगे सवाल वो क्या है, हमारा जैसे कि 5A चल रहा है एनसीईआरटी गणित, जो कि आपके पूरे भारत देश में, चाहे आप असम से होंगे, चाहे पश्चिम बंगाल से होंगे, चाहे यूपी से होंगे, पूर्वोत्तर पश्चिम भारत कहीं से भी होंगे, हर जगह आपका एनसीईआरटी पैटर्न वही होगा, लैंग्वेज अलग हो सकता है। ठीक है, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हिंदी में ही हम लोग चलेंगे। कह रहा है ए के किस मान के लिए a+4, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, और 3a, ये तीनों पद समांतर श्रेणी में होंगे, लेकिन a के किस मान के लिए होंगे? देखिए, मैंने आपको एक दिन बताया था, अगर इस कान को इधर से पकड़ के खींचेंगे तब भी उतना एहसास होगा और इधर से खींचेंगे तब भी वही फीलिंग होगी, है ना? तो मतलब समझिएगा, अगर इसमें सीधा सीधा बोला जाता कि अगर दिए गए ये पद समांतर श्रेणी में है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो कोई बुराई नहीं थी। ऐसे ही आपके पिछले सवाल में पूछा गया था, ठीक है, सवाल नंबर 5 में। लेकिन परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने का उद्देश्य होता है एग्जामिनर का, इस वजह से वो आपसे चाहता उन्हीं चीजों को है, लेकिन कहता है इधर से ना पकड़ो भाई, इसको इधर से पकड़ो, ठीक ना? तो ऐसे है, ये ए का मान निकालना है, सिंपल सी बात है। हम लोग क्या निकालेंगे? अरे भाई, सर्वांतर निकालेंगे ना। तो ये पहला पद है, मान लेते हैं टर्म फर्स्ट, यानी कि T1A है, और दूसरा पद T2 जो है वो A+4 है, और तीसरा टर्म यानी कि T3 जो है वो 3A है। ये तीन पद दिए गए हैं, तो सिंपल में अब आपको A का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि दो सर्वांतर का जो घटाना होगा वो बराबर आएगा, आएगा ना? सर्वांतर इक्वल होता तभी तो समांतर श्रेणी होती है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा तो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने देखा है तो आ रहा होगा। T2 मतलब मान रख दीजिए इसमें से A+4 -T1 मतलब A इक्वल T3 मतलब वही 3A, T2 मतलब जान रहे ना? अरे ये नहीं, टिंकू को रख दीजिए ना, A4 को बस घटा लीजिए, ये कट बिट के बराबर हो गए और ये घट जाएंगे तो 2A और ये +4, इस तरह से ये 4 इधर आएगा, घट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अगर कुछ गड़बड़ होगा तो बता दीजिएगा, जल्दी से आगे बताइए फट से, कितना मान आएगा? कुछ गड़बड़ है क्या? ध्यान दीजिएगा। हाँ, वो गड़बड़ क्या है ना बाबू, ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा अगर a+7 -2 और -3 होता है तो ब्रेकेट के पहले माइनस होने पर अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं ना। तो यहां पे मैंने माइनस तो लगाया था, लेकिन यहां पे ब्रेकट नहीं लगाया था, ये गड़बड़ी किया था ना। माइनस लगाते समय कहीं भी देखिए, यहां तो फिलहाल प्लस है, तो लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं है, मतलब ये एक पद था, ये और ये एक पद था, पीछे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे अगर माइनस नहीं लगा रहे हैं आप, माइनस के साथ ब्रेकट नहीं तो गलत होता है। तो ब्रेकट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो 4 है ना भाई, ये माइनस में हो जाएगा। अब ये 4 इधर आएगा तो 4 और 4 के साथ मिलके ये प्लस हो जाएगा माइनस चिन्ह, ये 2a बचेगा और ये 8 हो जाएगा बराबर 2a, a इधर आएगा यहां से तो ये हो जाएगा a बराबर 8/2, कट जाएगा तो 4 आएगा, यानी a का मान 4 आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, आपकी अपनी क्लास है, आपका हक है, आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आपको ऊपर नंबर भी दिख रहा है, आप उन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी दिख रही है pvrstudy@gmail.com, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
और ये क्लास पूरा फुल एचडी में दिख रही है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही तो कृपया सेटिंग से क्लास की क्वालिटी चेंज कर लीजिए, बिल्कुल मस्त दिखेगा बाबू, ठीक है ना। तो आगे चलें हम लोग, आगे चलें, कोई गड़बड़ी तो नहीं ना। अब आप लोग सातवां सवाल हो गया, आठवां खुद से करेंगे, क्योंकि अगर कुछ कोशिश करेंगे तो बेटर होगा। वीडियो को रोक लें, रोक करके इसको लिख लीजिए, रुक गया, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करिएगा। आठवां सवाल खुद से करेंगे, इसमें का अब हम करेंगे नवा सवाल, नाइन नंबर। अगर आपको आठवां नहीं आएगा तो आप उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा, आपको बिल्कुल हल करवाया जाएगा कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ। हाँ भाई, लाइफ में बहुत सी टर्म कंडीशन होती है ना। नवा सवाल देखिए, समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद लिखिए। क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद लिखिए। आप लोग भी सवाल लिखिए, मुंह मत देखिए बैठ के, अच्छे भी नहीं उतने। जिनके जब हम सवाल लिखा करें तो आप लोग भी लिख लिया करिए, ए इक्वल एक बटा दो और डी इक्वल क्या है माइनस एक बटा छ दिए हैं, ठीक है। ये सवाल नंबर आठवां नहीं नौवां है, आपकी कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में अभ्यास 5 ए में इस तरह से दिया गया है। कुछ भी अभ्यास दिया गया होगा, ये समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का है, नोट कर लिए। और भी कुछ है? नहीं। कह रहा तीन पद लिखिए, तीन पद लिखना है। तो आप जानते हैं समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो ए बराबर होता है। ये कौन सा होता है? पहला पद होता है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम पद इक्वल क्या होता है? ए। और सेकंड पद यानी द्वितीय पद क्या होता है? ए प्लस टू डी से शुरू होता है ना, ऐसे तो होता है। कुछ और होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। दूसरा पद ए प्लस डी होता है, ऐसे होता है। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस टू डी, यही तो होता है ना। तो रख दो ना भाई, हो गया आपका आंसर आपके सामने, इसी में मार रख दीजिए। हाँ देखिए, प्रथम पद तो आपका दिया है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर तीन, तीन दिया था ना, ए बराबर एक बटा दो दिया था। तो ये आपका पहला पद क्या है? एक बटा दो। अब यहां आप लिखिए द्वितीय पद ए प्लस डी इक्वल क्या हो जाएगा? ए और डी का मान जोड़ दीजिए ना, उसमें क्या बुराई है? आपको जोड़ना घटाना तो आता ही है। ए का मान एक बटा दुई धन डी का मान माइनस एक बटा छ। अब एक बटा दुई में ये जुड़ेगा प्लस माइनस, ये माइनस, एक बटा छ, दो और छ का लासा लेंगे तो छ आ जाएगा। अगर आपको भिन्न हल करना नहीं आता तो कमेंट करिएगा, हम आपको सिखाएंगे और हम इधर हल करेंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा? छ हो गया एलसीएम, दो से भाग करेंगे तीन आएगा, तीन का एक में गुणा करेंगे तीन हो जाएगा, उस तरह से ये वन रहेगा और ये दो बटे छ हो जाएगा, कट जाएगा, एक बटा तीन आएगा। दूसरा पद कितना आया? एक बटा तीन, हल कर लीजिएगा। आगे करें, तीसरा पद नोट कर लिए, थर्ड टर्म कितना आएगा? देखिए इधर मैं यही सेट कर दे रहा हूं छोटा सा। तीसरा पद, तीसरा पद का फार्मूला मैंने क्या बताया था? दूसरा पद का ए प्लस डी, तीसरा पद यानी कि ए प्लस टू डी होता है। ये सूत्र होते हैं, इनको याद रखना है, बाकी ये कहीं से गिरेंगे नहीं आसमान से। तो ए का मान एक बटा दो धन दो इंटू डी का मान माइनस एक बटा छ, बस हल कर लीजिए, दो से कट जाएगा, ये दो तिहाई छ, मतलब कि इनको कोष्ठक में भी कर लेते हैं जिससे आपस में लड़ते मरते रहे कोई दिक्कत ना। ये हो जाएगा अब आगे एक बटा दो माइनस एक बटा तीन, घटा लीजिए, तीन एक कम तीन, दो एक कम दो, तीन में से एक गया कितना आएगा? अरे तीन में से दो गया एक, एक बटा छ आएगा, आ रहा है ना एक बटा छ, नोट कर लीजिए आप, उत्तरमाला मिला लीजिएगा, सही होगा। अगर थोड़ा माइंड लगाएंगे तो इसमें समझ में आएगा, नहीं एक को ना पूछाएगा। द्वितीय पद ए प्लस डी बराबर, ये मैंने हल किया, आधा यहां किया, यहां के बाद इधर किया, ये देखिए बीच में बॉर्डर बना हुआ है, ये पहले यहां हल किया, यहां के बाद इधर किया, यहां ये उत्तर आ गया। तीसरा पद मैंने यहां लिखा है ए प्लस टू डी, ये तीसरा पद है,
ए का मान 1/2 रखा, 2 की जगह पे 2 रखा, डी का मान रखा 1/6 दिया था जो, वो भी माइनस में 1/6, और ये 2 से कट गया 6 तो 3 आ गया, कंप्लीटली बन गया 1/2 माइनस 1/3। यहां के बाद मैंने इधर हल किया, अगर समझेंगे तो आएगा समझ में, नहीं तो पढ़ लेना पड़ेगा। ये एक अच्छा 10 की गणित है जिसे हाई स्कूल बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रही ना बुझा रही बिल्कुल उड़ रहा ऊपर ऊपर, तो आप 5 बजे की 0 लेवल गणित देखिए। 0 लेवल में आपको कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की गणित सिखाई जाती है। समझ गए ना? कोई भी दिक्कत है निसंकोच कमेंट करिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वीडियो को रोक लीजिए जल्दी से और लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो इतनी बड़ी बेईमानी मत करिएगा, लाइक कर दीजिए तुरंत, और नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें। अब हम लोग देखेंगे अभ्यास 5B। जी हाँ, अगला अभ्यास आपका हो चुका है, यानी कि आपका सूर्योदय हो चुका है अगली क्लास के लिए। देखिए ये नया अभ्यास है कक्षा 10 एनसीईआरटी का अभ्यास 5B। सवाल समझिएगा, प्रत्येक अनुक्रम के संगत 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, जिसमें कुछ दिया गया है a1=3, an=3, an-1+2, जहां सभी n इज लेस देन 1 या इक्वल 1 के लिए है। ध्यान दीजिएगा यहां पे बहुत ही आसान है, ये सिंपल सा है बाबू। 5 पद निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे? देखिए a1 का मान तो 3 दिया है, इसका मतलब पहला पद आपको ऑलरेडी दिया है, तो आप यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, n बराबर 1 रखने पर हम पाते हैं क्या क्या पाते हैं, a=3। मतलब जब n बराबर हमने 1 रखा तो a का मान देखिए 3 दिया है ना ऑलरेडी, है ना, मतलब a1, तो यहां पे आप an=2 रखेंगे और फिर n=3 रखेंगे, n=4, n=5। हमने 5 तक क्यों रखाया, क्योंकि 5 पद निकालना है ना। तो मैं आपको यहां पे जूम करके दिखा देता हूं थोड़ा सा, 5 पद निकालना है तो क्या करेंगे, n=5 तक रखते जाएंगे अलग अलग। देखिए रखिए जल्दी जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं। किस में रखेंगे, अरे ये इसी में रखेंगे ना, तो रख लीजिए इसको 3a(n-1+2), n का मान जब इसमें 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3, और a का मान आप जानते हैं 3 दिया ना ऑलरेडी, तो आप क्या करेंगे उसका गुणा कर देंगे उसी में, मतलब कि a1 का मान जो है वो उसी में गुणा कर देंगे। देखिए ये 3 हो गया, ये ऊपर दिया है ना, इसका मान 3, a का मान या a1 का मान 1 है, तो ये इतना हो गया। अब 3-1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, 3-1 कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, इसी में मान रख दीजिए, नहीं तो इसको आप थोड़ा सा अलग कर सकते हैं चाहे तो। वो कैसे, देखिए इसकी जगह पे आप यहां पे जब 2 रखेंगे, या पहले मैं यहां रख देता हूं, इधर रखता हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको आप अभी कुछ मत करिए, ये हो जाएगा 3a, n का मान जब 2 रखेंगे, 2-1 = 2, तो ये टोटल आपका बनेगा 3a, 2 से 1 हो जाएगा 3a1 + 2, ये बनेगा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब a1 का मान आपको 3 दिया है तो रख दीजिए 3 × 3 = 2, और 3 × 3 = 9, 2 = 11 हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ना, समझ गए, n का मान क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, n = 2 रख रहे हैं, तो ये हो जा रहा है 2-1, यानी कि इधर जब इसको यहां के बाद हम बराबर की इधर ले जा रहे हैं, मतलब उधर साइड, तो ये a1 हो गया, क्योंकि 2 से 1 = 1 हो गया, इसलिए ये 3a1+2 हो गया। a1 का मान जब हमने रख दिया 2, तो कितना आ गया, सॉरी a1 का मान 3 रखा, 11 है। अगले में चलिए 3an-1+2, अब a का मान 3 रखना है, तो रख दीजिए 3a और n, यानी कि ये हो जाएगा 3-1 और ये -2, इस तरह से आपका आएगा 3a2+2 इक्वल कितना आएगा, वही जो भी आया आपका, देखिए दूसरा पद कितना आ रहा है आपका, 11 आ रहा है ना,
दूसरा पद 11 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ये जो 11 आ रहा मतलब ए टू का मान आ रहा बाबू समझिएगा, ये ए वन का मान 3 है, अब ए टू का मान इसमें आ गया ये जो भी आया 11, तो आप यहाँ ए टू का मान रखेंगे 11 और धन ये 2, 11 33 2 35, नोट कर लीजिए दूसरा हो गया। इस तरह आप तीसरा करेंगे 3an-1+2, तो ये आप जब n का मान रखेंगे कितना, यहां पे 3 रखा था ना 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3a-1+2=3a3 + 2 a3 का मान जो ऊपर आया 35, तो ये हो जाएगा आपका 3×35 + 2, 35 × 3 = 105 और 2 = 160। इस तरह से आप अगला निकाल लेंगे और आपके जो पद हैं वो आ जाएंगे क्रमशः कितने कितने। देखिए पहला पद आपका 3 था, ऑलरेडी सवाल में दिया था 3, कहां दिया था, ये 3 दिया था ना, पहला पद 3 था, दूसरा 11 आया, तीसरा 35 आया है ना, ये आ रहा, मैं बोल नहीं रहा हूं आ रहा है, चौथा 107 आ रहा है। इसी तरह से आप मान रखते जाएंगे तो आपका 323 फिर आगे वगैरह वगैरह आता जाएगा, समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए, अगर नहीं समझे तो कमेंट करिएगा, आपको ये फिर से बताया जाएगा। कैसी लगी आपको क्लास, अपने विचारों को अवश्य बताइए। कक्षा 10 एनसीईआरटी की गणित की आज की क्लास यहीं तक, मैं राजकुमार दुबंसी एक नई उम्मीद के साथ अगली क्लास में। वीडियो को रोक लीजिए जल्दी से, रोक लिए अभी कुछ और बताने वाले हैं, या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगर आपने नहीं किया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके, यानी कि वीडियो पीछे करके आप इसको फिर से लिखिए अपने हिसाब से, और नोट्स अवश्य बनाइए क्योंकि अब आप अगले एग्जाम की तैयारी के लिए लगे हैं, या फिर आप एग्जाम तो पास कर लिए लेकिन आप सीखना चाहते हैं, तो याद रखें अपनी किसी भी पढ़ाई से संबंधित समस्या के लिए नोट्स और पीडीएफ फाइल के लिए विजिट करें pvrstudy.com। इतना ही नहीं, आपके अन्य जो भी YouTube चैनल हैं जैसे कि PVR स्टडी ग्रुप और मैथ आसान है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इन्हें अवश्य सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको और सभी क्लास मिलती रहे। अगर आप हमारी बात को एड की तरह देख करके छोड़ देंगे तो फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, ठीक है। और ये नंबर नोट कर लें, इस पे आप अपना नाम, परीक्षा का नाम, जिला और राज्य का नाम बताएंगे तो आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा, आप हमारी व्हाट्सएप स्टेटस से अप टू डेट रहेंगे जो भी क्लास में चेंजिंग वगैरह होंगी, ठीक है ना। और अगर आप हर दिन क्लास चाहते हैं तो आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि एक निश्चित दौरान निश्चित समय अवधि में आपका कोर्स खत्म किया जाए और आपका कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट, आपके सवालों के जवाब, ये सभी फैकल्टी आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को लाइक करके दोस्तों में शेयर करके जाइएगा, और कैसी लगी ये क्लास कमेंट अवश्य करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अगर कोई गलती हो गई तो माफ करिएगा, कोई सुझाव है तो बिल्कुल निसंकोच आप बोल सकते हैं, और कोई शिकायत है तो उसके लिए भी माफ करिएगा लेकिन बताइएगा, ठीक है ना। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, इसका अगला क्लास, पिछला क्लास वो मिल जाएगा आपको स्क्रीन पर, ऊपर स्क्रीन खत्म होते समय क्लास में स्क्रीन पे आ जाएगा अगला पिछला क्लास, उस पर टच करके आप देख सकेंगे, ठीक है। कई सारे ऑप्शन है, ऊपर आई बटन में भी लिंक दी गई होगी पिछले क्लास की, अगले क्लास की, ये सब देखा करें। मैं वो रोज हर दिन नहीं बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करें, वहां पे बहुत कुछ दिया होता है। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं देखना आता ना तो ये नंबर पे संपर्क करें, हमारी टीम आपके लिए उपलब्ध होगी। थैंक यू फिर से, ठीक है ना। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखना, एक बात याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, तो कोशिश अवश्य करिएगा, बिल्कुल नहीं हारिएगा। जैसे कि अभी हमने शुरू में कहा था ना, क्लास शुरू होने के पहले, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा नीचे, मेरे बाबू आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आपके इरादों में जीत की गूंज होती है तो आप अवश्य जीत सकते हैं। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू।